मुख्यमंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, इस मेगा एग्जिट पोल की जो पिक्चर है अभी तक की, वो आपके लिए शुभ संकेत, एक अच्छी खबर। 355 से 370 तक आप समूचे देश में जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 68 से 71 सीटें बीजेपी, या यूं कहें कि एनडीए यहां पर जीत रहा है। जी, ये आपके आकलन है और अच्छा ही हमारे लिए शुभ संकेत है, लेकिन इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व कृतित्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, आरएसएस के कुशल प्रबंधन और व्यापक जनसंपर्क तथा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम 400 पार निश्चित करेंगे। क्योंकि अभी जो डॉल्ड्रम में लग रहा है या पेंडुलम की तरफ सीटें लग रही हैं, वह भी हमारी तरफ आएंगी, और जो मोदी जी का नारा था 400 पार, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। ये 400 पार का आंकड़ा आपको कहां से लग रहा है, कहां से ये कमी जो है वो पूरी होगी? साउथ से और सीटें आपको मिलने की उम्मीद लग रही है या फिर नॉर्थ में? देखिए, साउथ से पहली बार हम बहुत आगे होके आएंगे, और साउथ में स्थिति ये रहेगी कि इंडी गठबंधन और एनडीए ये लगभग बराबर की स्थिति पर आएंगे, और आगे हम यूपी, बिहार, बंगाल इसमें बहुत बड़ा हासिल कर रहे हैं। कई जगह तो क्लीन स्वीप, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, आपका गोवा हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, यहाँ तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं हम, और एमपी में भी क्लीन स्वीप करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से 400 पार करने वाले हैं। योगेंद्र जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि 10 बरस की आपकी सत्ता, उसके खिलाफ जो माहौल है वो, और दूसरा ये भी कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि एक अंडर करंट है जो कि वोट में कन्वर्ट होगा और हमारी जीत होगी। अब कह सकते हैं संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि वैसा कुछ भी नहीं था। 10 बरस के आपके कामकाज से लोग खुश हैं, न सिर्फ देश की जनता बल्कि उत्तर प्रदेश की भी जनता, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों से और कामकाज से। देखिए, चौराहों पर चर्चा और चूल्हे पर विचार, हमारे मोदी जी और योगी जी और अमित शाह की कुशल रणनीति चूल्हे तक पहुंच चुकी थी। जो साइलेंट वोट, अंडर करंट, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। जिस अंडर करंट को अपने लिए समझ रहे होंगे, वो अंडर करंट वास्तव में बीजेपी के लिए था, और यही कारण है कि 400 पार का जो हम आपको विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, वो विश्वास इसीलिए व्यक्त कर रहे हैं कि उस अंडर करंट को किसी ने नहीं देखा जो चूल्हे और चौके से निकलकर वोट डालने जाता है। जी जी, लेकिन बिहार की अगर हम बात कर लें, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं तो बिहार को भी करीब से देख रहे हैं, वहां पर 2019 के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, एनडीए को, नीतीश जी के साथ फिर से जाना और बार बार आना जाना, और जिस तरह से जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को आरजेडी ने उठाया, क्या उसका नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, जाति मुद्दों को उठाकर हम कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व में जनसंघ, ये शैशव काल से ही राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करते रहे, राष्ट्रीय हित की बात करते रहे। भले ही हमें विलंब हुआ, अपने विचारों की स्थापना में एक समय लगा, लेकिन आज जनता के समझ में आ गए हमारे विचार। तो ये जो उथली राजनीति करते हैं, शॉर्टकट राजनीति करते हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं करने वाली। नीतीश कुमार को आप अपने साथ लाए, ऐसे ही आप जयंत चौधरी को भी अपने साथ लाए, आपको लग रहा है कि उनके साथ आने से और चौधरी साहब को भारत रत्न देने से पश्चिम की हवा बदल गई, या पहले से ही आपके फेवर में थी? ये मैंने बताया आपको कि मोदी जी का व्यक्तित्व और योगी जी का व्यक्तित्व, दोनों के कृतित्व और अमित शाह जी कुशल रणनीति, ये सब मिलकर कई बातें का संगम बना, और संगम ने उस संगम की बाढ़ में ये सब विपक्षी दल धराशायी हो गए। जो इंडी गठबंधन अभी शाम तक 390 की बात कर रहा था, वो सिमट कर 100 के आसपास रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसे लेकर वो कह रहे हैं कि अभी